विशाल कोटियान तेजस्वी के घर गणपति दर्शन के लिए पहुंचे थे, और कहा जाए तो बिग बॉस 15 के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। बिग बॉस के घर के अंदर वो उसको भीड़ू भीड़ू कहते हुए नजर आते थे, तो जब वो तेजस्वी के घर पहुंचे तो वहां पर करण, सिम्भा, हर कोई था। अब जो है खबर आ रही है कि विशाल ने इस मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ दोस्त होते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कुछ ठीक ठाक दोस्त होते हैं और कुछ फ्रेंड्स फॉरएवर होते हैं। तेजस्वी मेरे लिए फ्रेंड्स फॉरएवर है, वो हमेशा थी और हमेशा मेरी दोस्त रहेगी। कौन कहता है कि आप दोस्त जो है बिग बॉस के घर के अंदर नहीं बना सकते? मैंने तो दोस्त बनाए हैं, और मैं तेजस्वी से बिग बॉस के बाद तो नहीं मिल पाया। हमने कुछ कई बार जो है थोड़ा बहुत ट्राई भी किया, लेकिन वो नागिन में बहुत बिजी थी और मैं भी अपनी मराठी फिल्म में बहुत बिजी था और मैं महाराष्ट्र में ट्रैवल भी कर रहा था। हम लोग मिल नहीं पाए, लेकिन हाँ हम लोग फ़ोन पर लगातार टच में थे। और बट इट फाइनली हैपन, और आखिरकार गणपति पर हम लोग मिल ही गए। हम जो है दोनों ही मुंबई की मिडिल क्लास फैमिली से हैं, टिपिकल फैमिली से हैं। हमारा जो है बैकग्राउंड काफ़ी हम्बल है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तेजस्वी के मम्मी पापा से भी मिला। जब उनसे पूछा गया कि करण और सिम्बा भी वहीं थे, जिस पर वो कहते हैं तेजस्वी जो है वो तो उससे मिलना ऐसा लगता है कि हाँ आप स्ट्रेस फ्री हो गए। हाँ मैं उससे इतने टाइम के बाद मिल रहा था और उसको मैंने इतने समय के बाद देखा, हमने बात की, गले लगे, बहुत देर तक बात की, और हमने जो है फिर सिम्बा को भी बुला लिया, वो भी हमसे मिलने के लिए आ गया। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया। हम लोग बिग बॉस के बाद मिल रहे थे, बाद में करण भी आ गया। करण और मुझे तो करण बहुत पसंद है, वो उसका दिल ना करण का बहुत बड़ा है। वो कहते हैं पंजाबीज तो होते ही बड़े दिल वाले हैं। मेरी जो अदर हाफ है यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड, वो पंजाबी ही है, मेरी मम्मी भी पंजाबी हैं, तो जब मैं करण से मिला वो मुझे मेरी मम्मी की याद दिला देता है। मेरी मम्मी भी बिल्कुल उसकी तरह बड़े दिल वाली है। तो अब वो कहते हैं कि मुझे मिलकर वाकई में बहुत अच्छा लगा, मैं चाहूँगा कि हमेशा तेजस्वी आगे बढ़े, मैं उसके लिए हमेशा प्यार ही और आगे बढ़े यही चाहता हूँ। तो इस तरीके से विशाल ने बताया कि बिग बॉस के बाद ये लोग जब सब मिले तो ये मुलाकात कैसी रही। आप उस पर क्या कहेंगे? आपने भी तस्वीरें और वीडियो देखे ही हैं, आप क्या कहेंगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।